ये मस्जिद 2.5 दिन में बनी है और किसी इंसानों ने मिलकर इसको नहीं बनाया, इसको जिन्नातों ने मिलकर बनाया है और इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोग का मेरी एक और नई वीडियो में। और अभी भी हम अजमेर में ही है तो आज आपको अजमेर की और एक वीडियो दिखाने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं 2.5 दिन के झोपड़े पे, अन्ना सागर पे और 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो कोई नई जगह बनी है तो उधर भी जाना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, चलते हैं। अभी हम तीनों भाई निकल रहे हैं, हमारे साहिल भाई पानी पी रहे हैं, अयन भाई क्या बता कुछ कर रहे हैं। तो अभी हम 2.5 दिन के झोपड़े पे जाने वाले हैं, फिर वहाँ से जाएंगे अन्ना सागर और फिर वहाँ से 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए निकल रहे और अभी हम तीनों जा रहे हैं 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ। और आप रस देख सकते हो, झोपड़े के अंदर आ गए। ये एक मस्जिद है, मैं आपको दिखाता हूँ। और अजमेर में आप देख सकते हो हर एक जगह पे रस होता है, बहुत सारे इधर भीड़ लगी हुई है। और देखिए बच्चे कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बोला जाता है। ये मस्जिद 2.5 दिन में बनी है और किसी इंसानों ने मिलकर इसको नहीं बनाया, इसको जिन्नातों ने मिलकर बनाया है और इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर पहले एक बादशाह हुआ करता था जिसने इधर सारे जितने भी लोग बना रहे उनको ना बोल दिया था कि इधर कोई भी मस्जिद वगैरह नहीं बनेगा। तब इधर अल्लाह करना ऐसा हुआ कि इधर जिन्नातों ने 2.5 दिन में मस्जिद बनाई है और मैं आपको मस्जिद बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारी है, कलमे लिखे हुए हैं। तो चलिए पास चलते हैं और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कैसी है। और आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी जगह है और ये पूरी 2.5 दिन में बनी हुई है और ये जिन्नातों ने बनाई हुई है। और देखिए आप कलमे आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ अभी। और इसके अंदर भी जाया जाता है, पहले तो हम अपने चप्पल को यहीं बाहर उतार देंगे। और देखिए अंदर से भी बहुत ही माशाल्लाह। और ये पूरी आप जितनी भी चीज़ें देख रही हो ये 2.5 दिन में जिन्नातों ने बनाई है। और ये एक करामती है, देख सकते हो आप, मस्जिद भी बहुत पुरानी है। और मस्जिद के बगल में ही पहाड़ है, देख सकते हो आप लोग कहाँ कहाँ चढ़ के फोटोज़ क्लिक करवा दें। और मस्जिद बहुत ही बड़ी है ऊंचाई में भी और चौड़ाई में भी। और बाहर की सारी दीवारों पर देख सकते हो आप कलमे लिखे हुए हैं और बहुत ही बारीकी से लिखे हुए। इलेक्ट्रिक रिक्शा में तो मैं और रहा नहीं है, जाहिल भाई अभी थोड़ा काम से बाहर है। तो चलिए अन्ना सागर जल्दी, और देखिए रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और अभी हम पहुंच चुके हैं अन्ना सागर पे और देखिए इधर दांगा गाड़ी भी जल्दी रहती है। तो चलिए जल्दी आप अंदर। तो अभी हम अन्ना सागर के अंदर आ चुके हैं। अभी हम अन्ना सागर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर भी बहुत रश रहता है आप देख सकते हो, क्योंकि अजमेर में जितने भी अच्छी जगह है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं और हर एक जगह ज़्यादातर भीड़ ही होती है। तो इसमें अभी देख मैं आपको दिखाता हूँ, अन्ना सागर पे जाते हैं अभी।
और यहाँ से आप सीढ़ियाँ देख सकते हो, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है बट अभी वो बंद है, दरवाज़ा भी बंद है। तो यही है ना सागर लेक और यहाँ पे रेलवे स्टेशन, और देख सकते हो आप बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। इधर लेक है, पीछे बड़े बड़े पहाड़ है और अभी स्मोक स्मोक है पूरा, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, और बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। और देखिए इस तरफ बर्ड्स बहुत ही अच्छा व्यू क्रिएट कर रहे हैं। ना सागर आप जो मेरे सामने देख रहे हो इतना बढ़िया लेक, इसका एक इतिहास है। ख्वाजा गरीब नवाज के समय में, वो आपको पूरा यूट्यूब पे मिल जाएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ना सागर ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरा उनके कासे में ले लिया था, उनके कटोरे में ले लिया था, तो वो स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पे मिल जाएगी। नहीं तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज की सारी करामतें सुनाने बैठ जाऊँगा तो कभी मेरा वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा। तो चलिए अब चल रहे हैं 700 ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही अच्छी चीज़ है और अभी नया नया खुला है, अभी वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या है। तो चलिए चलिए हम वापस से निकल चुके हैं, जा रहे हैं अभी 700 ऑफ द वर्ल्ड। आना जाकर मैंने आपको पूरा दिखा दिया और अभी वापस हम रिक्शा में बैठे हूँ, मैं और मेरा भाई और रिक्शा पहुँच चुके हैं 700 ऑफ द वर्ल्ड। चलिए मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। और ये पार्क का नाम है 7 वंडर्स पार्क अजमेर, जो आप देख सकते हो। और 7 वंडर्स वंडर पार्क में एंटर होते हैं हमें सबसे पहली चीज़ में देखने मिलती है वो है पेरिस का आईफिल टावर। ये भाई नकली है, कॉपी है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है, आप देख सकते हो। तो अभी हमने आपको पेरिस का आईफिल टावर दिखा दिया और अब चलते हैं दूसरी लोकेशन में। ये हमारा स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जो कि इसमें तो बहुत ही छोटा है बट ये बहुत ही रियल में बहुत ही बड़ा है। और ये न्यूयॉर्क सिटी के एक नदी के किनारे पे लगा हुआ है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी तो हमने आपको दिखा दी, अब चलते तीसरी लोकेशन में। ये पिरामिड जो मिस्र में हुआ करते थे, और पिरामिड उस ज़माने के जो राजा हुआ करते थे उनकी कब्रें होती थी अंदर, उनके लिए पिरामिड बनाए जाते थे, और ये रियल में बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हुआ करते थे। अभी हमने आपको सारी ये तीनों चीज़ दिखा दी है, अब चलते हैं मोस्ट फेमस ताजमहल में, जो अपने इंडिया में ही है और हर कोई इसे जानता है। इसके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बनाया गया है ये। तो अभी हम पहुँचे अपनी चौथी लोकेशन पे, फ्राइज द रिडीमर की स्टेचू पे, जो 1931 में बनाई गई थी, ब्राज़ील में है अभी। और ये बहुत ही पुरानी मूर्ति और बहुत ही ऊंची मूर्ति है। तो अभी हम पहुँचे पासी की झुकी मीनार पे, जो पासी शहर इटली में स्थित है। इसका निर्माण 1173 में हुआ था और ये 200 साल तक इसका चला था बांध काम, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी झुकाव 5 डिग्री तक ये झुकता है, और देख सकते हो आप, थोड़ा सा आपको झुका हुआ दिख रहा होगा, मैं साइड से एक बार दिखाने के आपको ट्राई करता हूँ। तो अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि 5 डिग्री तक झुका हुआ है, वो सीधे से नहीं पता चलता बट। और अभी हम आए कॉलेजियम पे, जो इटली के रोम शहर में, और इसको 1980 में बनाया गया था, और इसको प्रारंभ कर पुत्र टाइगर्स द्वारा बनवाया गया था। और इसकी लंबाई 188 मीटर्स है और इसकी चौड़ाई 150 मीटर्स है। और कॉलेजियम दुनिया का सबसे पहला स्टेडियम है जिसके अंदर ओलंपिक की शुरुआत हुई। अभी मैंने आपको सातों सात वंडर्स दिखा दिए, पहला अपना आईफिल टावर, फिर स्टेचू ऑफ लिबर्टी, पिरामिड, ताजमहल, स्टेचू ऑफ रेडीमर, फिर अपना इटली की दोनों दो चीज़ें, एक स्टेडियम और एक 5 डिग्री झुकी हुई बिल्डिंग। और अभी हम 7 वंडर्स से तो निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं होटल पे, और अभी हम तांगे में जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। चलिए तो बैठते हैं। तो अभी हम तांगे में बैठ चुके हैं, और इससे पहले भी मैं अजमेर आया था, तब तांगे में बैठा था, बहुत ही मज़ा आता, इसलिए अभी चलते अपने होटल पे। तो अभी मैं चालू गाड़ी में आगे वाली सीट पर आ गया हूँ, तो ये हमारे अंदर ही है चला रहे हैं, और ये हमारा तांगा है। हम हमारी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं होटल पे। तो पहुंच चुके हम हमारी
होटल पे और एक लाइक चालू ही रखी हुई थी। तो अभी हमारा डिनर भी आ चुका है, चपाती और अपना साग, तो चलिए डिनर कर लेते हैं। चलिए अभी हमारा डिनर हो गया है और अभी हम निकल रहे हैं इधर से आबू के लिए। अभी हमारी पैकिंग हो गई है, देखिए सारे बैग्स वैग्स सारे ले लिए। तो अभी हमें ऑटो मिल गई है और अभी हम जा रहे हैं बाईपास, और अभी हम हमारे बस का वेट कर रहे हैं। अभी हम जहाँ से बस हमें पिक करने आने वाली है वहीं पे बैठे हुए हैं, बट अभी बस को आने में 1.5 घंटा बाकी है, तो बस का वेट करते हैं। और कोई तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है हाईवे पे से, और हद बार ठंडी, हद बार जैकेट भी असर नहीं कर रहा अभी। तो फाइनली हमारी बस आ चुकी है, तो चलिए अपने लगेज लेते हैं और चलते हैं। लाइक अभी हमारी स्लीपर बस में पहुँच चुके हैं और अभी सो जाते हैं। आज का व्लॉग मैं इधर ही फिनिश करता हूँ। होप करता हूँ आप सब लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।